मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी की क़ियादत में एक मजलिसी वफद ने आज सिटी पुलिस कमिश्नर सी वी आनंद से उनके दफ्तर में मुलाकात की और रमज़ान के दौरान हर साल की तरह इस साल भी देर रात तक कारोबारी इदारों, दुकानों और होटलों को खुला रखने के ज़िम्मन में नुमाइंदगी की। इस वफद में अरकान काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी, रियाजुल हसन एफेंदी, अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मौज़म खान और कौसर मुहीद्दीन शामिल थे। मुलाकात के बाद सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रमज़ान के दौरान देर रात तक पुरसकून अंदाज में कारोबार किया जा सकता है। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस सी वी आनंद साहब से मजलिस का एक वक्त मुलाकात किया, जिसमें जाफर हुसैन मेराज साहब MLA, मौज़म खान साहब MLA, कौसर मुहीद्दीन साहब MLA, रियाजुल हसन अफंदी MLC, अमीनुल हसन जाफरी MLC, ये तमाम लोग शामिल थे। मसला ये था कि सदर मजलिस ने हिदायत दी कमिश्नर पुलिस को पाबंद किया जाए, हर साल रमज़ान में जिस तरीके से कारोबार होते हैं बिला रोक टोक के, बिला रुकावट के, वो कारोबार जारी रखने का इंतज़ाम करें। चुनाचे सदर मजलिस का प्याम कमिश्नर पुलिस को पहुँचा है, अल्लाह का करम है, आज से कारोबार बिल्कुल सुकून से होंगे और कोई बाजार बंद कर नहीं कराया जाएगा, कोई रुकावट किसी महकमे की तरफ से नहीं होंगी। कारोबारी लोग आज़ादी के साथ पुरअमन तरीके से पुरसकून माहौल में कारोबार करेंगे और ये इंतज़ाम महकमे पुलिस की तरफ से हुआ है कि कोई भी दुकान को, कोई भी कारोबार को रुकावट पुलिस की तरफ से नहीं होंगी, ना कोई कारोबार बंद होंगे। इसलिए ये कारोबार को जारी रखने का आज से सिलसिला शुरू हुआ, इंशाल्लाह खत्म रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं आवाम से, ताजरीन से खुसूसन अपील करूँगा कि पुरअमन तौर पर अपने कारोबार को जारी रखे और किसी की बातों में ना, किसी के बहकावे में ना आए, ना कोई अफवाहों पर कान धरे। नसीब मिलत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस का वफद आज मुलाकात किया और ये पाबंद किया, सदर मजलिस का यह पैगाम पहुँचाया कि हर साल जिस तरीके से कारोबार रमज़ान में होते हैं वही कारोबार जारी रखे जाएंगे, किसी किस्म की रुकावट कारोबारी लोगों को नहीं होना चाहिए। चुनाचे यह पैगाम कमिश्नर तक पहुँचा दिया गया है और कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है आज से कोई दुकान, कोई कारोबार रुकावट नहीं रहेंगी, बिला रुकावट के, बिला दुकान बंद हुए के कारोबार जारी रखेंगे। पुरअमन तरीके से लोग कारोबार करें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, अगर कहीं कोई रुकावट है, कुछ है, तो आप मजलिस के काउंसलर MLAs को इत्तला करें, अब और इसमें आपके मुमकिन तौर पर मदद की जाएगी। लेकिन जो लोगों में तशवीश थी, बेचैनी थी, तो सदर मजलिस जो इन दिनों उमरे में हैं वहाँ से उन्होंने पैगाम भेजा, उनकी पैगाम पर पहुँचा कर कमिश्नर पुलिस से भी बात करके निकले हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के करा तमाम कारोबार पुरसुकर अंदाज में होंगे। शुक्रिया।